हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेकी फिल्म। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने बिजली के बिल का भुगतान ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो इसके लिए हमें सीधा चलना होगा अपने सिस्टम पर। यह काम आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, चाहे तो आप पीसी से भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको बिजली कहाँ से मिलती है, तो बिजली आपको मिलती है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से। तो आपको जो बिल का पेमेंट करना होगा वो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को ही करना होगा। तो उनकी वेबसाइट पर विजिट करके हम अपने बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है ये, और लॉगिन करने की भी हमें ज़रूरत नहीं होती है अगर आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ आप जो है अपने बिजली का बिल ऑनलाइन जमा कर सकते हैं बिना लॉगिन किए, बिना अकाउंट क्रिएट किए। बस आपके पास आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए है। जब आप बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो आपको अकाउंट नंबर मिलता है, वही अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए है। तो उसी के ज़रिए आप अपने बिजली का बिल ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने बिजली का बिल जमा करें अगर हमें UPPCL को पेमेंट करना हो, तो कैसे हम जो अपने बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, आइए इसके बारे में हम पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आना होगा UPPCL.org, इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट है और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कंज्यूमर कॉर्नर पे, बिल जनरेशन एंड पेमेंट। तो बिल पेमेंट के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो ये अर्बन वाला ऑप्शन है, जो लोग शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं उनके लिए, और नीचे वाला ऑप्शन है रूरल, मतलब कि जो लोग गाँव में रह रहे हैं उनके लिए ऑप्शन है। तो मेरा क्योंकि रूरल एरिया में आता है तो मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। अगर आप जो है शहर से हैं तो आप ऊपर वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे अर्बन वाला। तो मैंने ये ऑप्शन चूज़ कर लिया और उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। देखिए OTS बिल भुगतान, तो यहाँ पर हमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली जो अपने बिल का पेमेंट कर सकते हैं। और ये लॉगिन करके आप पेमेंट करना चाहें तो ये उनके लिए जो लोग लॉगिन करके जो है पेमेंट करना चाहते हैं उपभोक्ता लॉगिन, तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलता है। और जिनको नया कनेक्शन चाहिए होता है तो यहाँ पे वो पंजीकरण कर सकते हैं या अपनी स्थिति देख सकते हैं। अगर एप्लीकेशन दिया गया हो, मतलब कि अगर नए कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया गया हो, तो यहाँ पे चेक किया जा सकता है, उसका स्टेटस स्थिति देखी जा सकती है। और अगर हम पंजीकरण करना चाहें, मतलब रजिस्ट्रेशन करना चाहें नए कनेक्शन के लिए, तो हम कर सकते हैं। तो हमें तो बिल का भुगतान करना है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं वो भी बिना लॉगिन किए। तो हमें ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, बिल भुगतान, बिल देखें, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब हमें यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर एंटर करना होता है, तो हमें 12 डिजिट्स का एक अकाउंट नंबर मिलता है जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब हम नया कनेक्शन लेते हैं तो हमें वो 12 डिजिट का अकाउंट, 12 अंकों का अकाउंट नंबर मिल जाता है। तो वही 12 अंकों का हमें अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है, और ये जो वेरीफिकेशन कोड दिख रहा है इमेज में यहाँ पे, वो हमें यहाँ पे एंटर करना होता है। जैसे कि ये हमने एंटर कर लिया और यहाँ पे हमें अपना अकाउंट नंबर एंटर करना होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इंटर कर लेने के बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर लेना होता है, तो हमारे अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। अब हम देख सकते हैं कि कितना जो है हमें पे करना है, तो हमारा बिल यहाँ पे होता है। तो देखिए यहाँ पे 145 रुपये दिख रहे हैं, तो इसका हमें पेमेंट करना है, और हमें यहाँ पे ड्यू डेट भी दिखाई जाती है। तो पेमेंट करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है और यहाँ पे ईमेल एंटर कर लेना है, और उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर देना है। तो ये हमने पे नाउ पर क्लिक कर लिया है। अब हमें यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं, हम जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके भी हम पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके भी पेमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा हम इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके भी पेमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर हम जो वॉलेट कैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉलेट कैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमें। तो आइए हम पेमेंट करते हैं UPI के ज़रिए। काफ़ी सारे लोगों के पास आज के टाइम में UPI होता है, तो UPI के ज़रिए से इसलिए हम जो यहाँ पे दिखा रहे हैं कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मेक पेमेंट पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमें QR कोड दिखाया जा रहा है, इसको हम स्कैन करके और पेमेंट कर सकते हैं, और चाहे तो हम यहाँ पर अपना जो UPI ID होता है, जो VPA होता है, वो एंटर करके और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो एक रिक्वेस्ट आएगी आपके UPI ID पे, तो वहाँ से हम जो है उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके और पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे पेमेंट करेंगे यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं QR कोड स्कैन करके पेमेंट करूँगा। तो मैंने QR कोड स्कैन कर लिया है और पेमेंट भी मैंने अपने यहाँ से कर दिया है। तो जैसे ही हमने पेमेंट कंप्लीट कर दिया,
वैसे ही हमें रिसीट मिल जाएगा। अब ये रिसीट हम जो इसको चाहे तो प्रिंट करके रख सकते हैं, चाहे तो हम इसको सेव भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर पीसी में। वैसे ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको पीसी पे दिखाया है, ये काम आप चाहे तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम रहता, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अब हमारा जो है रिसीट जनरेट होकर के आ गया है, इसको चाहे तो हम प्रिंट आउट करें या फिर इसको हम सेव कर लें ऐसे ही। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने बिजली का बिल ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप भी इस तरह से अपने बिजली के बिल का पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का, जो लोग यूपी में रहते हैं उनके लिए ये प्रोसेस था, और बाकी जो दूसरे राज्यों से हैं तो वो अपने यहाँ के पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर विजिट करके इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर सकते हैं। और अब तो ये सुविधा पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे पर भी आ गई है, तो आप इन ऐप्स के ज़रिए भी अपने बिजली का बिल का पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।